हेलो आप सभी को। आज दिन है शनिवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द करंट अफेयर शो। मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पिछले दिन घटा जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 26, 27, 28 या फिर 29? तो इसका जवाब देखने से पहले अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करिए @AmanTrivedi, जिससे कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए @AmanTrivedi, AmanTrivedi, अगर आप लिखेंगे तो इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाऊँगा। तो आप जो इंटरनेट दिवस है वो मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को हमारा इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और बाकी आपके पुराने डेज मैंने लिख रखे हैं, तो PDF में जो लोग भी डाउनलोड करते होंगे वो डेली एक बार ही इन पे गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोबारा से। तो इंटरनेट दिवस जो है वो मनाया गया है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, बेसिकली मनाने जैसा कुछ नहीं होता इसमें। इंटरनेट डे आपका 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 29 एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द यूजेज ऑफ इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। द डे मार्क्स द सेंडिंग ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज विच वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन 1969। 1969 में ये काम पहली बार किया गया था। एट द टाइम द इंटरनेट वॉज नोन एज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। शार्ले क्लीने, अ स्टूडेंट कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस US UCLA के छात्र प्रोग्रामर चार्ली क्लाइन ने 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश LO प्रसारित किया था। दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना को मनाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर 2005 को मनाया गया। तो पहली बार इंटरनेट से मैसेज ट्रांसफर किया गया था 1969 में और इसीलिए इसे इंटरनेट डे की तरह मनाते हैं। साथ ही साथ 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे भी होता है। 29 अक्टूबर को सोराइसिस और सोराइटिक गठिया वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जागरूकता सशक्तिकरण कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। 2021 के विश्व सोराइसिस दिवस का विषय था एकता के लिए कार्रवाई, यानी कि यूनाइटिंग फॉर एक्शन, ठीक है। सोराइसिस का एक प्रकार का त्वचा का विकार है जिसके कारण त्वचा की कोशिकाएं 10 गुना तेजी से गुना करती हैं। सोराइसिस के कारण त्वचा पर सफ़ेद शल्कों से घिरे उबड़ खाबड़ लाल धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। सोराइसिस एसोसिएशन के इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं होशे वावेरू और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में और इसका मुख्यालय है स्वीडन में। अगला सवाल है, रायन टेन डोएशिट ने अपने पेशेवर खेल से संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स या फिर टेनिस? तो इसका जवाब है आपका क्रिकेट। रायन टेन डोएशिट ये एक नेदरलैंड्स के खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद में संन्यास ले लिया है और ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। नीदरलैंड के रायन टेन डोएशिट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। नीदरलैंड के 41 वर्षीय क्रिकेटर ऑलराउंडर रेयान टेन डोएशिट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के क्वालिफाई करने में विफल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। क्वालिफायर के दौरान नीदरलैंड नामीबिया से हार गया और सुपर 12 चरण में प्रवेश करने के लिए विफल रहा। उसका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था ये। इसके अलावा गूगल पे ने टाई अप किया है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए, यानी गूगल पे से आप हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ में टाई अप किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की है गूगल पे के साथ में, जिससे कि SBI जनरल हेल्थ इंश्योरेंस आप गूगल पे से खरीद सकें, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस फाउंड की गई थी 24 फरवरी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और MD एंड CEO हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल, ठीक है। अगला है मेटी स्टार्टअप हब एंड गूगल। मेटी स्टार्टअप हब और गूगल ने ऐप स्केल एकेडमी कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक पहल मेटी स्टार्टअप हब और गूगल ने भारत भर में शुरुआती से मध्य चरण के स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए एक विकास और विकास कार्यक्रम
ऐप स्केल अकेडमी लॉन्च करने की भागीदारी की है। कार्यक्रम भारत के टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में उभरते स्टार्टअप को इकोसिस्टम पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उन्हें स्केलेबल ऐप सॉल्यूशंस बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। ऐप स्केल अकादमी गेमिंग, हेल्थ केयर, फिनटेक, एडटेक, सामाजिक प्रभाव और अन्य सही डोमेन में विश्वस्तरीय ऐप की एक श्रृंखला बनाने और स्केल करने के लिए स्थानीय शुरुआती से मध्य चरण स्टार्टअप की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ऐप स्केल अकेडमी 15 सितंबर 2021 तक खुले रहेंगे के लिए आवेदन। आवेदकों में से 100 स्टार्टअप का चयन उद्योग के विशेषज्ञों MEITY स्टार्टअप हब और गूगल प्ले के सदस्यों के एक पैनल द्वारा परिभाषित गुणात्मक मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ऐप स्केल जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, फाउंड की गई थी 14 सितंबर 1998 में और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ये दो को मतलब फाउंडर थे एक साथ। अपना स्वयं का वन्य जीव कार्य परियोजना पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो जवाब है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। एमपी जिसकी राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई सिंह पटेल। यूपी की राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। इस तरीके से आप डेली रिवाइज करते रहोगे तो आई थिंक आप सभी लोगों को गवर्नर्स के नेम याद रहेंगे और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है जिसने अपना खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जारी किया है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी दी जिसे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बोर्ड ने विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में तडोबा आंधारी टाइगर रिजर्व की सीमा को लगभग 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। सरकार राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी दी जिसे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना और बोर्ड के ने विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में तडोबा नदी की सीमा को लगभग बढ़ाने का भी मंजूरी दी है। ठीक है, एक ही बात दो बार लिखी थी। इसके अलावा भारत ने इंडिजिनियसली मतलब स्वदेशी बिल्ट ICGS सार्थक को नेशन को समर्पित किया, राष्ट्र को समर्पित किया। सार्थक नामक युद्धपोत को कोस्ट गार्ड शिप को समर्पित किया। अ न्यू इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक हैज बीन डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन October 8, 2021। इट विल बी बेस्ड एट पोरबंदर इन गुजरात, पोरबंदर गुजरात में बेस्ड रहेगा। इंडिजिनियसली बना है, भारत में बना है। वॉज कमीशन्ड बाई डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के नटराजन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है, के नटराजन एट गोवा। ICGS सार्थक इज कमांडेड बाय डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल MM सैयद, हैज अ कंप्लीमेंट ऑफ 11 ऑफिसर्स एंड 110 मेन। ठीक है, ICGS सार्थक इज फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बीइंग बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द ICG टू बूस्ट मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि चौथा है, 5 टोटल बना रहा है ये जो आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसमें से चौथा है। 105 मीटर लंबा शिप जो है जिसमें 2450 टन इज प्रोपेल्ड बाय 2 ये इस तरीके का इंजन है। इसमें बाकी इसकी जरूरत है, आप इतना ध्यान रखिए ICGS सार्थक क्या है, एक तरीके का शिप है जिसे कोस्ट गार्ड को दिया गया है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है, कृष्णा स्वामी नटराजन और हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यही हमने भी पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके बलदेव प्रकाश, AK गोयल, सुमन कथपालिया या फिर LV प्रभाकर। तो जवाब है आपका बलदेव प्रभाकर को, बलदेव प्रकाश को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। AK गोयल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बनाया गया है। सुमंत कथपालिया इंडसइंड बैंक की CEO और MD हैं और LV प्रभाकर कैनरा बैंक के MD हैं। तो बलदेव प्रकाश जो हैं उन्हें जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर के प्रबंध निदेशक CEO के रूप में कार्यभार करने की तारीख से 3 साल 2022 जो भी पहले से हो के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी है। बलदेव प्रकाश की जम्मू कश्मीर के MD और CEO के रूप में नियुक्ति की
वास्तविक तिथि की घोषणा बैंक द्वारा बाद में की जाएगी। राजेश कुमार छिब्बर जम्मू कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने जून 2019 में बैंक का कार्यभार ग्रहण किया था, यानी कि अगर ये फॉर्मर आपके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, सॉरी ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जे एंड के। ही अज्यूम चार्ज इन 2019। द गवर्नमेंट होल्ड्स अ मेजॉरिटी स्टेक 68.18% इन दिस बैंक। हेडक्वार्टर है आपका श्रीनगर में। तो राजेश कुमार छिब्बर अब फॉर्मर हो जाएंगे, बलदेव प्रकाश अब वहाँ के MD एंड CEO हो गए हैं। हु हैज बीन नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बलदेव प्रकाश, AK गोयल, KV कामत या फिर LV प्रभाकर। तो अभी हमने पढ़े हैं सारे, KV कामत हो जाएंगे जवाब, LV प्रभाकर केनरा बैंक के MD हैं, AK गोयल इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, बलदेव प्रकाश CEO एंड MD हैं JNK के। KV कामत इज द राइट आंसर यहाँ पे। KV कामत जो है, KV कामत को NABFID, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। भारत सरकार ने KV कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वो भारत के एक प्रसिद्ध बैंकर हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के पहले प्रमुख हैं। NABFID भारत में एक नव स्थापित वित्तीय संस्थान है। इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2021 के अनुसार बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था। NABFID की अधिकृत शेयर पूंजी का 1,00,000 करोड़ है। NABFID की प्रारंभिक चुकता पूंजी 20,000 करोड़ रुपए है एंड इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सैफी किदवई, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड या फिर रमेश पोखरियाल? तो जवाब है इसका रमेश पोखरियाल। रस्किन बॉन्ड की किताब हमने पढ़ी थी, राइटिंग्स ऑफ माई लाइफ। अमिताभ घोष, निटमैक्स कर, सैफी किदवई, सर सैयद अहमद खान। जवाब हो जाएगा आपका रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल ने अपनी किताब एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये किताब नरेंद्र मोदी जी को दी है। ये पूर्व से केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए की प्रति भेंट की। ये पोखरियाल द्वारा लिखी गई और दिल्ली के एम्स में COVID-19 से जूझ रहे थे उस समय की उन्होंने अपनी जर्नी लिखी है। पुस्तक प्रभात प्रकाशन प्राइवेट द्वारा पब्लिश की गई है। TVS मोटर कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से अवार्ड सम्मानित किया गया है। TVS मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा के उपयोगकर्ता के सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। IFGE के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर शोध और कार्यान्वयन में TVS मोटर के प्रयासों को मान्यता दी है, जबकि उनकी दीर्घायु और स्थिरता सुनिश्चित की है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है? 1st, 40th, 71st या फिर 9th? तो इसका जवाब है आपका 9th। तो इंडिया ग्रीन एनर्जी में काफ़ी अच्छा कर रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में भारत की रैंक 9th रही है। ग्लोबल टेक क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत की रैंक 9th रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड सिंस द पेरिस एग्रीमेंट बाई लंडन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी, इंडिया रैंक 9th इन द लिस्ट टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द क्लाइमेट टेक्निकल फ्रॉम 2016 से 2021 के बीच में। लंदन एंड पार्टनर्स और कंपनी द्वारा 5 साल पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार भारत 2016 से 2021 तक एक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर रहा है। भारतीय जलवायु तकनीक फर्मों को इस अवधि में उद्यम पूंजी के वित्त पोषण के $1 बिलियन प्राप्त हुए। रिपोर्ट ने पेरिस फ्रांस में 2016 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद से जलवायु क्षेत्र में रुझानों का विश्लेषण किया। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका $48 बिलियन के साथ शीर्ष पे, इसके बाद चीन $18.6 बिलियन है, ठीक है। तो US टॉप पे है, चाइना सेकंड पे, फिर स्वीडन, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नेदरलैंड्स और उसके बाद इंडिया है। बाकी बहुत सारे इंडेक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको आप फटाफट रिवाइज करते रह सकते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 121st है, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 139, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 40th, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142nd, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 43rd, ग्लोबल पीस में 135, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 20th, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में 2nd, इनोवेशन इंडेक्स में 46th, हेनले पासपोर्ट में 90th, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101st। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में एक कमेटी को गठित किया है।
पेगासस का उपयोग करके अनधिकृत अनधिकृत निगरानी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके अनधिकृत निगरानी के आरोपियों को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन करेंगे। ठीक है, अध्यक्ष होंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन। वह तकनीकी समिति के कामकाज की निगरानी करेंगे जो आरोपी की सच्चाई या झूठ की जांच करेगी और तेजी से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जस्टिस रविंद्रन बीसीसीआई के सुधार के लिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए आर एम लोढ़ा समिति का हिस्सा थे। ठीक है, नवीन कुमार चौधरी भी इसका हिस्सा हैं। प्रभारण पी प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग स्कूल के, ये भी हिस्सा हैं। और अश्विन अनिल गुमस्ते भी इसके हिस्सा हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी दोबारा से बनाई है। तो गवर्नमेंट भारत सरकार ने 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद पीएम का पुनर्गठन किया है। भारत की केंद्र सरकार ने पीएम ईएसी पीएम यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है, फिर से बनाया है। 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। विवेक देवराय परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे। EACPM को 2 साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। EACPM को सितंबर 2017 में 2 साल की अवधि के लिए स्थापित किया गया था। इसे तत्कालीन आर्थिक सलाहकार प्रधान को प्रधानमंत्री से बदल दिया गया था। तो EACPM के अन्य सदस्य राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, टीटी राम मोहन, बाकी आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, विवेक देवराय परिषद आप जरूर याद रखेंगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष हैं आपके विवेक देवराय। ठीक है, इसके अलावा मनसुख मांडविया ने CII एशिया हेल्थ 2021 समिति को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव भारतीय है और भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने डिजिटल परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ डिजिटल साथ साथ भारत और दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्रीकृत मंच प्रदान करने के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी के परिणामों और अनुभव में सुधार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जन जागरूकता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री क्या नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया, बढ़ाने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई सफल पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे दवाई भी कड़ाई भी और 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी जैसे अभियान जनता तक पहुंचे और कोविड-19 संक्रमण को रोकने में मदद की। इसके अलावा DRDO ने स्वदेशी सबसे लंबी दूरी के बम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, ये आज ही हुआ है, कल हमने पढ़ा था Agni-5 मिसाइल के बारे में, आज है सबसे लंबी दूरी के इंडिजिनियसली बिल्ड बॉम्ब का परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और IAF ने 29 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्र रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित लॉन्ग रेंज बम LRB जिसे कहते हैं लॉन्ग रेंज बम का एक हवाई मंच से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। LRB ने अपने प्रक्षेपण के ठीक बाद निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सटीकता के साथ लंबी दूरी पर भूमि आधारित लक्ष्य के लिए मार्गदर्शन किया। LRB के प्रक्षेपण ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक किया। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल Agni-5 के सफल प्रक्षेपण के कुछ ही दिनों बाद विकसित हुआ है, जो भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की घोषित नीति के अनुरूप था, जो पहले उपयोग नहीं की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। DRDO के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी की ने कहा कि लंबी दूरी के बम का सफल उड़ान परीक्षण सिस्टम के वर्ग के स्वदेशी विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह DRDO और IF के अन्य टीमों के बधाई देते हुए LRB भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बल गुणक साबित होगा। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में IAF के चीफ का नाम, कल ही हमने क्लास में पढ़ा था। हाल ही में पुनीत राजकुमार जी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, क्रिकेट, ऑथर, एक्टिंग या फिर पॉलिटिशियन? तो ये एक्टर थे पुनीत राजकुमार, साउथ की फिल्मों में एक्टिंग करते थे पुनीत राजकुमार। उनका कार्डिक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हो गई, 46 वर्ष की आयु के थे पुनीत राजकुमार। कन्नड़ा एक्टर थे और उनकी कल ही मृत्यु हुई है, 46 वर्ष के थे। रिपोर्टेडली पुनीत कुमार वॉज वर्किंग आउट इन द जिम एंड ही कोलैप्स सडनली एंड ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। लेटर पुनीत वॉज एडमिटेड टू विक्रम हॉस्पिटल एंड रिसीविंग ट्रीटमेंट इन इंटेंसिव केयर। इसके अलावा भारतीय नेवी ने 7th P1135.6 क्लास फ्रिजेट INS टूशील इन रशिया इसको लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने रूस में 7th P11 क्लास फ्रिगेट INS तुशील लॉन्च किया है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस की सरकारों ने यंतर शिपयार्ड रूस और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 4 अतिरिक्त प्रिवॉक या तलवर श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट दो फ्रिगेट के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। INS तुशील P1135.6 वर्ग का 7वां भारतीय नौसेना फ्रिगेट
28 अक्टूबर 2021 को भारत के राजदूत मॉस्को में डीवाला वेंकटेश वर्मा और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में तदला विद्या वर्मा द्वारा यंत्र शिपयार्ड कैलिनिन ग्राद रूस में लॉन्च किया गया था। रूसी संघ और भारतीय नौसेना के अधिकारियों की समारोह के दौरान तदला विद्या वर्मा ने जहाज का नाम तुशील रखा, जो कि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक शील्ड। तो ये बेसिकली रशिया से भारत को समर्पित किया गया है और इंडिया में इसका नाम हमने तुशील रखा है जिसका मतलब है रक्षक शील्ड। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इटली में हैं G20 की समिट अटेंड करने के लिए। इसके बारे में अधिक जानकारी हम आगे के वीडियोस में जानेंगे क्योंकि वो अभी पहुँचे हैं, 30 से 31 के बीच में वो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी 30 से 31 अक्टूबर को रोम में होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुँचे हैं। वो रोम पहुँचने के लिए पहले दिन महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देंगे और पोप से भी मुलाकात करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वेटिकन में फ्रांसिस पोप, यानी जो वेटिकन में रहते हैं पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। 16वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम है पीपल प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी और यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 से आया है। इटली द्वारा आयोजित 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 महामारी से उभरने, आर्थिक सुधार, लचीलापन, वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास पर केंद्रित होगा। इसके 5 की फैक्ट्स क्या हैं आपके G20 समूह के बारे में। एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 राष्ट्र और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। G20 समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन। G20 समूह सामूहिक रूप से सकल विश्व उत्पाद GWP का 90%, विश्व जनसंख्या का 2/3 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75-80% और विश्व के लगभग आधे भूभाग क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। 2008 से समूह वर्ष में कम एक बार में सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। 2009 के शिखर सम्मेलन में G20 ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग के लिए प्राथमिक स्थल घोषित किया था। ठीक है, तो बाकी G20 के बारे में और डिटेल्स भी हम देखते रहेंगे जैसे जैसे उसमें अपडेट्स आते रहेंगे, क्योंकि ये अभी बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने PDF के लिए मेरा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको इसकी PDF मिलेगी। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।